नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आज समालखा नगर पालिका के पार्षद और चेयरमैन पदों के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और वार्ड नंबर 16 से पार्षद पद के उम्मीदवार मनोज तंवर उर्फ मोनू हमारे साथ मौजूद है। नामांकन इन्होंने भरा, किस तरह से कैसे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, सबसे पहले तो आप एक बार परिचय दे दीजिए और किस वार्ड से आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं। नाम मनोज कुमार, वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ रहा हूँ। किस तरह से क्या है, किस जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे और कौन कौन से ऐसे काम है जो आपने सोच रखे भी, सबसे पहले इन कामों को करवाएंगे हम? सबसे पहले सो यहाँ से हम अपनी कॉलोनी में गलियों से परेशान हैं, इसलिए अब एक कदम उठा नहीं, पानी का, सीवर का, सब बिजली का, खम्भों का, सभी का बिल्कुल लाइट बिना परेशान है, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। ये सुनने में आया कि भी पहले भी आपने एक बार प्रयास किया था, पिछली बार किया था, प्रयास किया था, इसलिए फिर वो एमसी के ऊपर वो मतलब हमने जैसा मिलजुल बढ़िया मिलजुल था, बढ़िया था, फिर वो करवा अगले काम मैं करवा दूंगा, नू करवा दूंगा, उसने करवा कुछ नहीं, इसलिए हमने मजबूरी में उठा के ये कदम उठाया है। मिल रहा है समर्थन? हाँ, खूब, बिल्कुल खूब, कति बिल्कुल, तय दिल से, तय दिल से। जो साथी हैं जो इनका नामांकन भरवाने के लिए पहुंचे थे, एक बार नाम और वार्ड बता दीजिए अपना, कौन से वार्ड से हैं? नाम है जी वार्ड नंबर 16। क्या लग रहा है, किस तरह से माहौल है इनका? माहौल एक नंबर का चल रहा है इस टाइम, वोट देव गति बढ़िया गति नुखरी नारे मर लगा गए। मौजूदा पार्षद ने काम नहीं किए? नहीं किए, बढ़िया बढ़िया आदमी जो 60 साल प्लस के, उनकी पहले सड़ नहीं बनवाई, गली नहीं बनवाई, सारे शिवर रुके पड़े, जाम हो रहे, लाइट खराब हो रही, लाइट एक भी खंबा बचा लू नहीं, आधा के राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड भी कती मैले कती जिसके बने रहे उनके भी कट दिया, कोई भी राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। कौन से कार्ड? ये इसके बीपीएल के किसी का भी कार्ड नहीं है, बड़े बड़े आदमी का कार्ड है, जो सरकारी है उनके कार्ड बनवा रखे इसने, सरकारी नौकरी भी उनके भी कार्ड है, गरीब आदमी गया तो मोस रखी है, ना तो गाल बनवादा, ना वो करता पिलसन बनवादा किसी की भी, ना वाशिंग वो नाले बंद है, जाम हो रहा, ना लाइट कुछ नहीं है, गरीब आदमियों का कभी तंग रखा, रो रो के मर गए गरीब आदमी, पिलसन नहीं इनके बनवादे, काम नहीं करते, लैटरिन आगे पीछे आए थे वो भी खाएगा सारे। तीन बार चुनाव जीत चुके हैं, बारी जीत गया, उड़ा खंडर बना दिया, लाइन पार का तो कुछ नहीं, उड़ा ना गाड़ी जा सकती, ना घोड़ा, ना कोई रिश्तेदार आ सकता, सारा काम बंद कर दिया इसने, कती जाम ला दिया, अपने घर जावे, खावर पीवर बैठ जाए। क्या उम्मीद है आपको इनसे? मनु पर से जी, मनु कुमार बहुत अच्छा काम करेगा जी, और इसीलिए पब्लिक ने पसंद करके उठाया, इसके तो अभी राजी भी नहीं थी कि ये उठेगा, लोगों ने इसे सहयोग दिया जी कि सब भाई तो उठ और इस काम को कर जो ये अधूरे इसने एमसी साहब ने छोड़ रखे हैं। हाँ, कुछ ने बोर, कुछ जनता ने उठाया, हाँ कुछ जनता ने सपोर्ट किया है जी, हाँ 70% जनता इसके साथ थी, इसीलिए तीन बार इसके कर गए हैं। हाँ भाई उठ जा, तो इसका कोई इरादा भी नहीं था भाई, कोई राजनीतिक आदमी नहीं, सिंपल आदमी है, लेकिन फिर भी इसमें मजबूती है, पैसे की मजबूती है, 5-7 लाख रुपये लगा भी चुका है, और चाहे इसके 20-30 लाख रुपये लगो बनने से पहले, हाँ जी ये लगा देगा जी, बहुत ये देखो जी समर्थन पूरी कॉलोनी ने दे रखा है इनको, और ये एमसी ये नहीं बनेगा, पूरी कॉलोनी एमसी बनेगी, सभी के काम होंगे, कोई गरीब जनता है बहुत परेशान है हमारी गली में, अगर कॉलोनी देखोगे ना आप, कॉलोनी कच्ची गलियां हैं, ठीक है, बारिश हो जाए तो क्या रहूँगी, इतना पानी हो जाता है, और तारे देखो जाम बिजली के, वहां पे खतरा, दो आदमी तो मौके पर डेथ हो चुकी है 15 दिन के अंदर, कुछ भी काम नहीं हुआ हमारी कॉलोनी अब, अभी हम भी फिलहाल 15 दिन के अंदर 2 डेथ हो चुकी है बिजली के करंट से, तो हम तो ये कहते हैं हम मोने भाई को पूरा समर्थन दे रहे हैं और इसको ना जितवा के ही लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नामांकन का जो दौर है वो आज शुरू हो चुका है, सिलसिला शुरू हो चुका है, और अब 10:30 बजे के आसपास से शुरुआत हो चुकी है, और शाम तक देखते हैं कि कितने नामांकन दाखिल होते हैं। समालखा के जो रिटर्निंग ऑफिसर SDM अश्विनी मलिक, उनसे भी बातचीत करेंगे, और आप लोगों से, तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करें। समालखा से सहयोगी रतनलाल के साथ मैं संदीप शर्मा, नमस्कार।